हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस। माय नेम इज नवीन यादव और आज है 2 मार्च। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट देख लेते हैं। देखिए, कोट में लिखते हैं, स्टॉप कंपीटिंग विद अदर्स, स्टार्ट कंपीटिंग विद यूर सेल्फ। देखिए, ये शायद मैंने पहले भी कोट बताई, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप दूसरे से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, सबने अलग अलग जो है, सबका टाइम फेज अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम उनका जो उन्होंने जो चीज़ें की होती है। कुछ हो सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कुछ ने जो है इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो, इंग्लिश बहुत अच्छी हो, लेकिन किसी का जो है सरकारी में पढ़ा है, उसकी हिंदी बहुत अच्छी हो। तो सबकी अलग अलग फेज होते हैं, सबका अलग अलग जो है क्राइटेरिया होता है, उसकी जो है अलग अलग नॉलेज होती है, अलग अलग फील्ड से वो आया हुआ होता है। तो आप दूसरे को अपने से कंपेयर करने लगेंगे ना, यानी कि आप अपने को दूसरे से कंपेयर करेंगे, उसको लगेगा आपको, यार इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन आप ये सोचिए उसके पीछे उसका बैकग्राउंड अलग रहा है, आपको शायद उस चीज़ में टाइम लग सकता है। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, आपको ये देना है कि मेरे सपोज करो ये 4 एरिया है जो मुझे इंप्रूव करने हैं। इंग्लिश मुझे अच्छी करनी है, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मुझे उस पर क्या काम करना पड़ेगा। अपना जो अगर मैं 20% पे हूं तो मुझे 30% पे जाना है, 30 से 40% जाना है। देखिए, कोई हो सकता है किसी ने, जैसे सपोज करो अभी एग्जाम आने वाला है आपका, ठीक है, HCS का एग्जाम या कोई भी है, किसी ने CSET जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उसने CSET बहुत पहले ही कर चुका है वो, तो उसको CSET के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको आपकी सपोज करो GS अच्छी है तो आपको जो है CSET करना पड़ेगा। तो इसी तरह दूसरे से कंपेयर बिल्कुल ना करें, अपनी जो कमजोरियां हैं उन्हें जो है पूरा उनके अंदर इंप्रूव करें, और जो आपकी अच्छी चीजें हैं, जो आपको ज्यादा आती जो चीजें या जिसमें आप इंटेलिजेंस है, तो उनको शार्प कीजिए। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखिए, दूसरे से कभी कंपेयर मत कीजिए, अदरवाइज आप फंस के रह जाएंगे, अपनी जो कमियां हैं वो भी आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कल के 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, सेकंड पूछा था कि अफगानिस्तान अभी एक्सपोर्ट कर पाएगा नया जो सामान वगैरह है इंडिया में, तो किस पोर्ट से वो एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये अफगानिस्तान, सपोज करो यहाँ पे ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो आने के लिए इसको कैसे चाहिए, यहाँ या तो पाकिस्तान से आए, ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ से ईरान से छाबार पोर्ट है जो मैंने समझाया, यहाँ से आके ये इंडिया के साथ एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, छाबार। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा था आपसे कि OIC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, इनकी जो अभी फॉरेन एक मीटिंग हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, 46th सेशन, तो ये है, इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया गया है। ठीक है, देखिए आपको यहीं से समझ आता है, इंडिया को इनवाइट किया है, इट मींस जो है इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि OIC जो है इसमें फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर 1 है कि इंडिया जो है मेंबर नहीं है OIC का। ठीक है, कल हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, उन्होंने बहुत अच्छा वहां पे स्पीच भी दिया है कि जो टेरर फंडिंग वगैरह हो रही है, जो टेररिज्म वगैरह को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हाईलाइट उन्होंने करने की कोशिश की। लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन सी कंट्री ने RTGS डॉलर करके नई जो है करेंसी इंट्रोड्यूस करी है, तो आंसर है इसका जिम्बाब्वे। ठीक है, आज के 4 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बोट एम्बुलेंस सर्विस फॉर रिमोट एरियाज। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बोट एम्बुलेंस सर्विस जो है वो स्टार्ट की है रिमोट एरिया में, ठीक है, जहां पे जिस एरिया में पहुंचना आसान नहीं रहता, क्या उड़ीसा ने की है, झारखंड ने, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे लाइन्स बी द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेलवे लाइन्स। कौन सी ऐसी इंडियन रेलवे लाइन्स है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन्स है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चंडीगढ़ मनाली लेह रेलवे लाइन, कानपुर शिमला लेह रेलवे लाइन, दिल्ली शिमला, या फिर न्यू बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत न्यूज में रहा है, अगर आप न्यूज सुन रहे हैं तो। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया अभी रिसेंटली, ठीक है, तो ये कहां पे लोकेटेड है, कहां पे इसको बनाया गया, ये बताना है आपको, अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली, मुंबई और लखनऊ। बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने आपको पढ़ाया अभी था कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जो विमेंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसी के ऊपर एक जो है एक डॉक्यूमेंट्री ने अभी आपको पता है ऑस्कर में जो है इनाम जीता है, और ये डॉक्यूमेंट्री कहां पे शूट हुई है, ये यूपी के अंदर, ये यूपी की डॉक्यूमेंट्री यानी कि रियलिटी दिखाई गई है वहां की, तो इसी के बाद शॉर्ट सब्जेक्ट की में इसने डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता 2019 का, तो ये बताना है कि ये किस इंडियन प्रोड्यूसर ने फिल्म जो है प्रोड्यूस की थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बताना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल देखिए कौन कौन से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, जिसको हम डिस्कस कभी नहीं करते और इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत ही जो है माइनर फैक्ट दिए हुए हैं, जो हमें ना हमें याद करने की जरूरत है ना हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये आर्टिकल फिर पाकिस्तान से आया है, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए मिनिमम जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती है उससे रिगार्डिंग आर्टिकल है। वैसे हम काफ़ी आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे, तो उसको दोबारा एक बार रिमाइंड करा दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए अकाली फैक्टर, यानी कि ये फिर से जो है पॉलिटिक्स का आ गया, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया का रिगार्डिंग आर्टिकल है। अभी कल भी मैंने बताया था नॉर्थ कोरिया और किंग जोंग उन जो उनके प्रेसिडेंट है, उनकी मीटिंग हुई ट्रंप के साथ, तो मीटिंग जो है फेल हो गई, तो उसी से रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो आर्टिकल आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले आप नॉर्थ कोरिया की लोकेशन देख लीजिए, हो सकता है मैपिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा है। एक चीज याद रखिए, देखिए नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ तो कनेक्ट होता ही है, यहाँ पे छोटी सी बाउंड्री रशिया के साथ भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि काफ़ी बार जो है अगर आप रशिया का मैप याद करेंगे जब नॉर्थ कोरिया का, तो आप ये चीज़ भूल जाते हैं, आपको ध्यान नहीं आती कि रशिया के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। तो याद रखिए छोटी सी बाउंड्री नॉर्थ कोरिया की टच होती है किसके साथ, रशिया के साथ। तो नॉर्थ कोरिया तीन कंट्री के साथ टच होता है, साउथ कोरिया के साथ तो होगा ही होगा, उसके अलावा चाइना, और ऊपर जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ये है रशिया के साथ, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को, ये नॉर्थ कोरिया है, ये इनकी कैपिटल है प्योंगयांग, इनकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की। यहाँ पे ये साउथ कोरिया है नीचे, और यहाँ पे है सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल। उसके अलावा देखिए इंचोन, ये कैपिटल अच्छे अच्छे यानी कि ये सिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चन में, 38th पैरेलल, यानी कि जो 38th पैरेलल यानी कि 38 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से गुजरता है, वो गुजरता है यहाँ से, जो इनकी बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, बाउंड्री के पास से गुजरता है 38th पैरेलल। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नीचे जापान है और इधर तो चाइना है ही है, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। यहाँ पे जापान सी है, ये याद रखिए, जापान के ऊपर जो है जापान सी है, ये चीज भी याद रखिए। तो चार पांच चीजें आपने याद की, नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री कहाँ कहाँ टच होती है, साउथ कोरिया से, चाइना से और रशिया से। इसके अलावा दोनों की कैपिटल क्या है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग और साउथ कोरिया की सियोल, और साउथ कोरिया का जो है नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जापान है, और दोनों की बाउंड्री के बीच नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या गुजरता है, 38th पैरेलल, जिसको बोलते हैं 38 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है, आपको पता है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है, ये बेसिक बेसिक चीजें, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आज ये आर्टिकल क्या आया, कल भी हमने पढ़ा था कि अभी देखिए मीटिंग हुई वियतनाम के अंदर, मीटिंग हुई जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट थे किंग जोंग उन, उनकी मीटिंग हुई किसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और दोनों के बीच में देखिए पहले भी जब मीटिंग हुई थी सिंगापुर के अंदर, तो बात यही हो रही थी कि जो ये देखिए ये जो यहाँ पे काफी वॉर हुआ है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान है ना, तो नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान की तरह ही है, ठीक है। काफ़ी मतलब मैं डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है वैसे, जैसे पाकिस्तान में फिर भी जो है दिखावे के लिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी रहती है, तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इनके बीच में बहुत वॉर हुआ है, ठीक है, 90s 50s के आसपास वॉर हुआ। इसके बाद क्या हुआ, साउथ कोरिया को सपोर्ट करने लग गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने लग गया चाइना, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को चाइना, या वो नॉर्थ कोरिया का सिर्फ जो ट्रेड है सिर्फ चाइना के साथ है जितना भी है, और किसी भी कंट्रीज के साथ नहीं है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के ऊपर देखिए सैंक्शंस लगाई हुई है बहुत ज़्यादा, यानी कि नॉर्थ कोरिया इतना बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी है कि किसी के साथ भी ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे जो आना जाना अलाउड नहीं है, अगर आप जाते भी विजिटिंग विजिट के लिए तो आपको जो है पूरा आपके ऊपर रिस्ट्रेंट रखे जाते हैं, आप कोई भी फोटोग्राफ नहीं ले सकते, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, बहुत ही गरीबी है इस देश में, इकोनॉमी का तो हालात आप समझ लीजिए, किसी के साथ आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या हालात होगा। तो इनका इनके बीच में देखिए युद्ध हुआ, तो ये जो है जोन, इन दोनों की बाउंड्री यहाँ पे जो है डीमिलिटराइजेशन जोन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों जो है कंट्री अपने अपने सोल्जर्स यहाँ लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है का कुछ इवेंट ज़्यादा होता नहीं। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने काफ़ी जो है बात करने की कोशिश की नॉर्थ कोरिया से, उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी जो है नॉर्थ कोरिया से मिलने लगे, और यहाँ के नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट भी जो है काफ़ी इन्होंने इच्छा दिखाई कि हमारा जो है ट्रेड अभी फ्लरिश करना चाहिए, और इन्होंने देखिए एक बात भी बोली थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी जो है
इसी हालात में जिए, ठीक है। तो ये काफी एक पॉजिटिव बात इन्होंने कही थी। इसके बाद जो बातें होने लगी सिंगापुर में बात हुई। अब इशू क्या है, नॉर्थ कोरिया के पास देखिए न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर अगर है तो इससे खतरा साउथ कोरिया को तो है ही है, साथ साथ में जो है यूएस को भी खतरा है। और इनके पास इतनी मिसाइलें हैं, नॉर्थ कोरिया के पास इतनी रेंज की, कि ये अमेरिका के ऊपर भी वॉर कर सकते हैं, या अमेरिका के ऊपर भी जो है मिसाइल दाग सकते हैं। यहाँ पे देखिए रशिया है, अगर आप इधर आएंगे ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के इधर आएंगे तो यहाँ यूएस है, ठीक है। तो यूएस के ऊपर भी इनके पास इतनी मिसाइल है कि अटैक कर सकते हैं। तो यूएस चाहता है कि नॉर्थ कोरिया में एक तरह से पीस आ जाए, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं, या जहां जहां पे न्यूक्लियर बनाते हैं ये, वो सारी फैसिलिटीज बंद कर दे। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है, नॉर्थ कोरिया चाहता है कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिया जाए, यानी कि वो किसी भी कंट्री के साथ अब ट्रेड कर सके। तो ये सब सिचुएशन है, और इसी के बीच में जो है बातें हो रही थी। ये कह रहे हैं देखिए अभी, लेकिन ये बातें जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कोई आउटकम निकल नहीं पाया, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी कुछ निकल के नहीं आई दोनों से। ये कह रहे हैं कि देखिए दोनों ने अलग अलग व्यूज दिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकली तो दोनों अलग अलग व्यूज देंगे। ट्रंप ने बोला कि जो नॉर्थ कोरिया के प्रेजिडेंट है किंग जोंग उन, वो ये चाहते हैं कि पूरा अमेरिका पूरी सैंक्शंस हटा ले, और वो सिर्फ जो है एक जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको वो बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने क्या बोला, देखिए नॉर्थ कोरिया ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये कहा है कि पार्शियल सैंक्शंस हटा लीजिए आप, उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको हम बंद कर देंगे, न्यूक्लियर जो नॉर्थ की मेन फैसिलिटी है उसको हम बंद कर देंगे, यानी कि हम न्यूक्लियर जो वेपन्स बनाते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने रोक देंगे। ऑलरेडी देखिए ये वैसे नहीं बना रहे हैं, काफी जो है इंप्रूवमेंट आया है रिलेशन में, लेकिन ये कुछ रीजंस रहा। ये कह रहे हैं कि जैसा एक अटैचमेंट सिंगापुर मीटिंग में देखा गया था वो यहां पे मिसिंग था हनोई के अंदर, हनोई कहां पे, वियतनाम में। तो ये कह रहे हैं वो अब मिसिंग था, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए आगे वाले आने वाले टाइम में कैसे सिचुएशन सुधरती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि इस बार जो है काफी पॉजिटिव टॉक्स होने वाली है और शायद कुछ आउटकम निकले। फिर पुरानी जो है रिलेट करते हैं उससे, वो सब चीजें याद करने की जरूरत है नहीं, और इसके नोट्स भी नहीं बनाने आपको, ठीक है, इसलिए मैं जो है आपके लिए कुछ बुलेट पॉइंट जो है क्रिएट नहीं किए मैंने। ये कहते हैं कि देखिए जून में जब पुरानी वाली मीटिंग हुई थी उससे पहले ऐसा नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हम जो है कंप्लीटली फ्रीज कर रहे हैं, हम कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह का टेस्ट नहीं करेंगे। इसके जो है रेस्पॉन्स में यूएस ने भी अच्छा बोला, यूएस ने बोला कि हम जो है 1950-53 का जो इन लोगों का वॉर हुआ था, कोरियन वॉर, उसको फॉर्मली डिक्लेयर कर देंगे कि वो खत्म हो गया है, और अभी भी यही डिमांड थी और ऐसा माना जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने जो ये चीज जो है रिफ्यूज कर दी। ये रिफ्यूज होने के बाद देखिए एक तरह से रिलेशन और खराब होने लगे। सिंगापुर मीटिंग के पहले की बता रहा हूं आपको, कॉन्फिडेंस जो है सिंगापुर मीटिंग के बाद जो कॉन्फिडेंस जो है खराब हुए कैसे, जो माइक पोम्पो ये मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं यूएस के, ये विजिट करने गए नॉर्थ कोरिया में, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है किंग जोंग उन, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने भी ये रिपोर्ट किया कि नॉर्थ कोरिया जो है फिर से बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अब ये फिर से स्टार्ट कर दिया, इस वजह से जो है फिर से रिलेशन इनके थोड़े खराब हुए, और अभी मीटिंग हुई तो कुछ खास आउटकम निकल के नहीं आई। एक बात और बताते हैं, ये कहते हैं कि ये जो सेटबैक्स हुई हैं, यानी कि ये जो सिचुएशंस हुई है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में, ये कह रहे हैं इससे ऐसा नहीं है कि पीस प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो गया, पीस प्रोसेस चलता रहेगा। ट्रंप ने भी जो है खुद खुद ने ही ये बात बोली है कि जो डीन्यूक्लियराइजेशन है, यानी कि अगर नॉर्थ कोरिया में पूरा न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने हैं तो लॉन्ग प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है किंग जोंग उन ने अनाउंस कर दिया था कि वो जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद कर रहे हैं, मिसाइल वगैरह टेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कह रहे हैं कि देखिए कोरियन पेनिनसुला पे, यानी कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रिलेशन भी काफी काम हो गए हैं, एक दो दोनों के बीच में रिलेशन काफी इंप्रूव हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे अभी की जो समिट हुई उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में जो है धीरे धीरे नॉर्मलेसी यहाँ पे आ जाए और धीरे धीरे जो है इसका आउटकम भी निकल जाए। ये कह रहे हैं दोनों कंट्रीज को देखिए थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा और ऐसे ट्रस्ट भी जो है एक दूसरे पर रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आगे अप्रोच करना पड़ेगा अगर इस एरिया को डीन्यूक्लियराइज कराना है तो, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिगार्डिंग। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, यानी कि गवर्नमेंट हर इंसान को पूरे देश के सभी सभी चाहे वो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो सभी को कुछ बेसिक इनकम दे दे। सपोज करें महीने के 1,000 रुपये आपको दे,
ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप जो है बूढ़े हैं, आप जो है बच्चे हैं, कोई कंडीशन नहीं होती, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, तो ये कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीज़, यानी कि इसका पूरा मोमेंट गेन कर रहा है। काफ़ी पार्टी, चाहे लेफ्ट से हो, राइट से हो, चाहे कोई भी ओपोनेंट हो, फ्री मार्केट के जो ओपोनेंट है वो भी ये चीज़ चाहते हैं, ये सपोर्टर उसके सपोर्ट में आ गए हैं सभी लोग, कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है क्या, मैंने बताया कि हर सिटीजन को एक फिक्स्ड अकाउंट मिल, एक फिक्स अमाउंट मिलती है महीने में या साल में जैसे भी, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। अब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए आप यूबीआई अगर देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ठीक नहीं है। क्यों, ये क्या कहते हैं, क्योंकि कहते हैं देखिए कुछ चीज़ें बताते हैं गलत क्यों हैं, किन किन को देना चाहिए, ये पूरा इस आर्टिकल में यही डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम बात करें तो लाखों लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड है आज के टाइम में, बहुत से लोग गरीब हैं। हमारे यहाँ पे अगर गरीबी की कंडीशन देखेंगे तो कुछ लोग मानते हैं 33% गरीबी रेखा से नीचे है, कुछ लोग 23% मानते हैं, अलग अलग सर्वे की अलग अलग रिपोर्ट है। जैसे तेंदुलकर कमेटी ने अलग रिपोर्ट दिया, ठीक है, लकड़वाला कमेटी ने अलग रिपोर्ट दिया। तो इसके अलावा ये बताते हैं कि देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है 3 डिकेड से, 30 साल से हमारी डिकेड, 1990s के बाद हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन फिर भी क्यों है इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोगों में गरीबी है। ये कहते हैं कि देखिए अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक पीएम किसान, ठीक है, अभी के जो आपने पता है कि जो इंटरिम बजट आया उसमें पीएम किसान की स्कीम लॉन्च की, जिसमें प्रॉमिस किया कि हर फार्मर की जिसकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उसको 6,000 रुपये सालाना मिलेगा, यानी कि उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं इस तरह से और बड़ी बड़ी जो है स्कीम्स भी लॉन्च कर सकती है, या अपने जो आप मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसके अंदर कांग्रेस भी इस तरह की स्कीम्स जो है आगे जो है बता सकते हैं कि हम भी ये लागू करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये कहते हैं ना तो ये कोई ऐसी दवा है कि जिससे जो मार्केट फोर्स के अंदर मार्केट फोर्स को ये पूरा खत्म कर देगी, ना कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट है कि ये पब्लिक सर्विस को इंप्रूव कर देगी, यानी कि इससे पूरा हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि देखिए कोई जरूरत नहीं है आपको पैसा ट्रांसफर करने की, जो मिडिल क्लास और हायर इनकम अर्नर है, यानी कि जो बहुत जिसके लिए महीने की 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा रहा है, उसको आप महीने के 500 600 700 रुपए देंगे उसके लिए क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। मिडिल क्लास भी कह रहे अच्छी सिचुएशन में होते हैं, उनको भी पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हैं हां ये जरूरी है कि इनकम ट्रांसफर जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल अलग अलग तरीके की गरीबी से वो गुजरते हैं, उनको जरूरी है कि उनको पैसा मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम इनकम होनी चाहिए। वो किसके लिए, जो एग्रीकल्चर वर्कर है, लैंडलेस है, मार्जिनल फार्मर है, उसके अलावा देखिए कहते हैं शहरों में भी जो गरीब लोग हैं उनको भी ये चीज मिलनी चाहिए। ये कहते हैं ये जो ग्रुप है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ से देखिए ऐसा माना जाता था कि ट्रिकल डाउन अप्रोच होगी, ट्रिकल डाउन में यानी कि अगर एक बार ग्रोथ बढ़ेगी तो धीरे धीरे सबको उसका फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो ग्रोथ का फायदा नीचे तक जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नीचे के गरीब लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, इंडिया के बहुत से लोग आज भी गरीब है, और उनको वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई है वो भी कहीं ना कहीं इनकी जो गरीबी से जो है इनको बाहर नहीं निकाल पाई है। ये कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करें, यानी कि कितने लोग बैंक से पैसा लेते हैं, वो आज भी सिर्फ 15% के आसपास है। अगर 100 लोग पैसा लेंगे तो 15% ही है जो बैंकों से लेते हैं। आज भी 85% लोग जो जो गांव में मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, आज भी जमींदार जो बड़े बड़े होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, और वो जो है इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा लगाते हैं, 24% से 60%। देखिए बैंक आपको 2% 5% पे लोन देता है, नॉर्मल मनी लेंडर जो है 24 से 60% तक आपसे जो है इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, और इससे जो है और ज़्यादा गरीबी आ जाती है गरीब इंसान के लिए। ये कहते हैं देखिए सब्सिडीज की बात करें तो ये कह रहे हैं कि सब्सिडी जो फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट ने बहुत साल सब्सिडी दी, आज भी देता है, इसका बेनिफिट किसने उठाया, बड़े फार्मर से नहीं इसका बेनिफिट उठाया है। ये कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो तो आज भी उस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो कह रहे हैं इस चीज़ का जो बेसिक इनकम है इन लोगों को देनी चाहिए। ये कह रहे हैं शहरों में तो क्या हो गया, ऑटोमेशन आ गया, यानी कि नई नई मशीन्स आ गई, तो इससे जो है लोगों की स्किल्स जो है उतनी नहीं रही कि वो जॉब कर पाए। रिटेल सेक्टर में बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन हो गया,
गया है। तो इससे जो है जो और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर और जो थे या इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते थे उनके लिए तो और दिक्कत आ गई, तो उनकी तो जॉब भी और धीरे धीरे खत्म होती गई है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए लैंडलेस लेबर हो गए या फिर कोई भी शहर में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इन लोगों को पैसा देने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल के तहत वो बोलते हैं कि आप जो है साल का 15,000 दे सकते हैं इन लोगों को, इसके लिए बहुत सप्लीमेंट इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये कह रहे हैं देखिए इनके जो बिल्कुल गरीबी रेखा में गुजर रहे हैं या गरीबी का जो हालात है उससे शायद ये बाहर निकल सके, और ये कह रहे हैं छोटी सी इनकम भी इनको जो है इनका न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ा सकती है, इनका जो स्कूल में अटेंडेंस है एनरोलमेंट है बच्चों की वो हो सकती है। 15,000 अगर फीस मिलेगी तो जो है माँ भी सोचे कि बच्चा मेरा जो है कमाने ना जाए कहीं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कितने 50 रुपए कमा के लाएगा, इससे अच्छा ही स्कूल चला जाए। तो ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनेगी, अगर अच्छा खाने को मिलेगा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज वो थोड़ा बहुत ले सकेंगे या फिर स्कूल में अच्छी एजुकेशन ले सकेंगे तो हमारी जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही प्रोडक्टिव बनेगी। इसके अलावा कहते हैं कि देखिए एक आइडिया ये अच्छा है कि ये जो पैसा है ये बैंक अकाउंट में जो घर की मालकिन है यानी कि विमिन जो है उसके अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि जो औरतें हैं वो पैसा जो है वो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन एजुकेशन फील्ड में ही जो है ज़्यादा खर्चा करती है बच्चों के लिए, और बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा देश अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। ये कह रहे हैं एक क्वेश्चन वो इमर्ज होता है जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात होती है, तो एक क्वेश्चन ये निकल के आता है अगर आप लोगों को पैसा देंगे तो वो जॉब नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं देखिए ऐसा नहीं है, इतनी छोटा सा 15,000 साल में, ठीक है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्या इस पे कोई अपना जो है नौकरी छोड़ के बैठ जाएगा, लेबर क्लास जो है लेबर जो है करने ही नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं इस इनकम से तो इवन उनको सपोर्ट मिलेगी, उनको अच्छा खाने को मिलेगा तो वो जो है अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनको जो और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी, किसी को बीमारी है सपोज कीजिए और उनको सरकार से पैसा मिला और उसने वो बीमारी ठीक करा ली तो ठीक करा के फिर वो काम पर लग जाएगा, अगर वो ठीक नहीं करा पाता तो वो ज़्यादा दिन बीमार रहेगा, ज़्यादा दिन रहेगा तो इससे देश का ही पूरा नुकसान है। तो फाइनली कहते हैं देखिए इस तरह इंटरेस्ट फ्री अगर पैसा मिलेगा तो छोटी छोटी जो कैटेगरी के लोग हैं यानी कि जो स्मॉल आर्टिसंस हैं, छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो सब्जी के ठेले लगाते हैं फ्रूट के ठेले लगाते हैं, ये लोग जो है अपने बिजनेस को और प्रमोट कर पाएंगे और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और कहने की लोगों जो है पॉवर्टी की ट्रैप जो गरीबी की जो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं काफी लोग वो उससे निकल पाएंगे। इसके अलावा कहते हैं देखिए इससे इनइक्वालिटी भी कम होगी। उसके बाद ये कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो गांव का इलाका है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। फिर ये कहते हैं कि देखिए एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये बताते हैं, तो करीबन ऐसे लोग जिनको पैसा देने की जरूरत है हमारे देश में 10 करोड़ हाउस होल्ड ऐसे हैं, ठीक है, जिन 10 करोड़ को ही आप जो है आयुष्मान स्कीम के अंदर जो है पूरा इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर इसमें हम पैसा देने लगे तो हमें 1.5 लाख करोड़ ही देना पड़ेगा, 1.5 लाख पर एनम। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, आपको आप इसको पीएम किसान के साथ भी जो है अटैच कर सकते हैं, साथ में कह रहे हैं कि आप वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगा के 1% 2% आप ये पैसा वहां से निकाल सकते हैं, इन लोगों को मदद कर सकते हैं। ये कह रहे हैं और कुछ पैसा जो है स्टेट्स भी शेयर कर सकता है इसमें, ऑलरेडी तेलंगाना और उड़ीसा जैसे कंट्री सॉरी स्टेट्स में जैसे कालिया स्कीम चल रही है तो वो ऑलरेडी जो है डायरेक्ट इनकम दे रहे हैं फार्मर्स को, आप उनको भी इस चीज में अटैच कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें जरूरी है नॉन जो फार्मर पुअर हैं उनके लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, स्टेट्स जो है इसको स्टेट्स को ज्वाइन करना चाहिए इस तरह की स्कीम्स को। ये कह रहे हैं कि हो सकता है पैसा थोड़ा ज्यादा है इस समय लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो जब लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे उसका बेनिफिट जो है देश को वो बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। इसके अलावा ये थोड़ा सा देखिए अभी आपको पता है दिसंबर में क्या हुआ था, जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, आईटी एक्ट जो है उसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो 10 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, या इसके अलावा जो भी और भी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हो गए, तो इन लोग 10 जो सेंट्रल एजेंसीज हैं ये लोग क्या करेंगे, ये किसी का भी सिस्टम जो है मॉनिटर कर सकते हैं, किसी का भी जो सिर्फ फोन कॉल नहीं इंटरनेट पे या कहीं भी वो क्या कर रहा है काम, क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, कहाँ पर बात कर रहा है, सब कुछ ये टैप कर सकते हैं, ऐसी जो है परमिशन दे दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट के तहत। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आपका वो कंप्यूटर भी सीज कर सकते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। इस तरह का एक्ट पास हुआ था, एक तरह से बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, नोटिफिकेशन आया था ये। और इसी के ऊपर देखिए एक पीआईएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये देखिए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है लोगों की, आप इस तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या सफाई दी है, गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए हम जो ये डेटा कलेक्ट करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, ये हमने पूरा ड्यू प्रोसेस से चलेंगे। ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में नई नई सिचुएशन आ गई है, टेररिज्म के अलग अलग रूप आ गए हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होने लगा है, साइबर टेररिज्म होने लगा है, ड्रग कार्टेल्स हैं, ठीक है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इनसे अगर हमें जूझना है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, तो पहले ही उनको जो है सतर्क रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको ये डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, इस तरह की इन्होंने सफाई दी। तो ये याद रखिए इस चीज को। तो ये कौन से सेक्शन 69 में है, और देखिए वैसे सेक्शन 69 में क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर आईटी एक्ट के तहत। आईटी एक्ट का सेक्शन 69 में क्या लिखा हुआ है कि इस तरह की गवर्नमेंट जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है अगर उसको लगता है कि देश की सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी को कोई खतरा है, या डिफेंस को कोई खतरा है, या हमारे फ्रेंडली रिलेशन किसी और कंट्री के साथ खराब हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही इसके रूप है, ये जो एक तरह से आईटी एक्ट में ठीक है आपने डाल दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अगर आप अननेसेसरी सबका डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनकी जो है प्राइवेसी इस चीज से हर्ट होती है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें उल्टा बोल रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम तो इवन प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं लोगों की, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।